भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर से नई घातक युद्ध रणनीति अपनाने जा रही है। युद्ध के दौरान तेज हमले करने की योग्यता को और मजबूत करने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। सेना की योजना पहले पाकिस्तान सीमा के पास कुछ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैनात करने की है। इसके बाद इन्हें चीन सीमा पर भी लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी कमांड के अंतर्गत इस खास युद्धक रणनीति इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का अभ्यास किया है। युद्धक परफॉर्मेंस टीम और टॉप कमांडरों ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के अभ्यास को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इसे बेहतरीन बताया है। इस वजह से इस साल के अंत यानी अक्टूबर तक पाकिस्तानी सीमा के पास सेना ऐसे 2 से 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के अभ्यास और उसके फीडबैक को लेकर पिछले हफ्ते विस्तार से चर्चा हुई थी और आर्मी हेडक्वार्टर में हुई इस बैठक में 7 आर्मी कमांडरों ने भाग लिया था। इस बैठक में कमांडर इन चीफ को ये निर्देश दिए गए थे कि वे अपने अपने इलाके में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का निर्माण कराएं। साथ ही आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के सेना में शामिल होने के बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत की उस खास रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो सेना को ज़्यादा प्रभावशाली और खतरनाक बनाना चाहते हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।